हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ और आज हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, जो कि मुझे नहीं पता है, कहाँ क्योंकि जा रहे हैं? नहीं पता है मुझे। एज यूजुअल में मुझे नहीं बता रहे हैं कहाँ जा रहे हैं और हम बहुत लेट हो गए हैं, जल्दी जल्दी तैयार हुए हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, इसलिए वीडियो को मतलब लंबा ना करते हुए और अपने आप को लेट ना करते हुए जल्दी से फटाफट वहाँ पहुँचते और देखते हैं वो जगह कौन सा। और ये मेरा चश्मा पहन रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं फॉरम मॉल, जो कि साउथ बेंगलोर में है। और यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे कहाँ लेकर के आ गए हैं। मीन्स मुझे लगा कि ये सिर्फ मुझे मॉल घुमाने के लिए लेकर के आए हैं। सीरियसली वी आर इन फॉरम मॉल, तो मुझे लगा कि ये सिर्फ मुझे मॉल घुमाने के लिए लेकर के आया। तो मैं सोची चलो भाई कुछ वीडियो ही बना लेते, इतना दूर आए हैं तो। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि अरे यार, ये तो मुझे कॉन्सर्ट दिखाने के लिए लेकर के आया है, वो भी किसका? तो मोनाली ठाकुर का। और यहाँ पे बहुत भीड़ लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था। मैं गई थी टिकट लाने के लिए, सॉरी बैंड लाने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें मिला था बैंड। इन्होंने पहले ही बुक कर लिया था टिकट, ऑनलाइन बुक मतलब बुक कर लिया था, जो कि मुझे नहीं पता था। बैंड लाने के बाद ये हम लोग को हाथ पे लगाना था, तो मैं अपने हस्बैंड के हाथ में लगा रही थी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था। ये मेरा फर्स्ट कंसर्ट था, जो कि मैं पहली बार मतलब किसी का लाइव कंसर्ट देखने जा रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ पर मैंने उनको मतलब बैंड लगा दिया, और उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कि लाओ भाई मैं तुम्हें भी लगा देता हूँ, तो वो भी मुझे बैंड लगा दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इतना लंबा लाइन लगने के बाद, जब लाइन मतलब जब हमारा स्टार्ट हुआ अंदर जाने के बाद, तो मैं इतनी एक्साइटेड थी। मेरे हस्बैंड चाहते थे कि सबसे आगे हम लोग जाए, तो मैं दौड़ के भाग रही थी। अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी कि जल्दी चलो नहीं तो आगे सबको ही चले जाएंगे। तो मैं बहुत आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैं दौड़ के भाग रही थी, और इवन सब कोई भाग रहे थे क्योंकि सब कोई को आगे जाना था। लेकिन हम लोग जब तक गए तब तक ऑलरेडी भीड़ वहाँ पर लग चुकी थी, जैसा कि आपको दिख रहा है ऑलरेडी भीड़ लग चुका है। और हम लोग को आगे नहीं मिला, मतलब आगे ही थे बट बहुत ज़्यादा मतलब जो मेन फ्रंट होता है ना, वहाँ पे हम लोग नहीं थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम लोग को इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा, मीन 7 बजे का टाइमिंग था आने का, बट ऑलमोस्ट हम लोग को 2 घंटा वेट करना पड़ा यहाँ पर मोनाली ठाकुर का। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एंट्री होता है मोनाली ठाकुर का। We'll be right back.
आई स्केयर्ड ऑल ऑफ यू विद सो स्टबर्न स्कॉर्पियो इट्स क्रेजी थिंग बट आई एम अ होपलेस रोमांटिक एंड आई लव रोमांटिक सॉन्ग्स एज यू कैन Thank you.
फाइनली हम लोग का लाइव कंसर्ट खत्म हो गया है और अभी बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए हैं, तो मॉल में आकर के बैठे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी जब कंसर्ट स्टार्ट होने वाला था उससे पहले 2 घंटा हम लोग वहाँ पे वेट किए हैं। शो स्टार्ट होने वाला था हम लोग का 7 बजे, बट स्टार्ट हुआ हम लोग का 9 बजे, तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा खड़े रहना, बट इन्जॉय बहुत किए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद जाएंगे घर। और बस यही था हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।